हेलो स्टूडेंट, जय हिंद टू एवरीवन। आई एम अंसारी सर फ्रॉम विकास कोचिंग। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स। ओके स्टूडेंट, तो आज कंसंट्रेशन टर्म्स को समझेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स में जो है आप बेसिकली इसमें पूरे फार्मूले को देखने वाले हैं, ठीक है। मतलब आज एकदम समझ लीजिए ये फार्मूले की एक दुकान बन जाएगी एकदम, ठीक है, या आप यूँ समझ लें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि कंसंट्रेशन टर्म्स होता क्या है, ठीक है। कंसंट्रेशन जो टर्म्स है ये क्या होता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स जो होता है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखता हूँ, यानी आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स को द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन टर्म्स। ओके स्टूडेंट, फिर से सुन लीजिए, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन टर्म्स। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ the amount of solute present in the given quantity of the solution okay, इसी को हम लोग जो है concentration terms कहते हैं, the amount of solute present in the given quantity of the solution, okay, इसे हम क्या कहते हैं concentration terms। तो concentration terms का मतलब क्या हुआ, इसका इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसमें आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि the amount of solute, ठीक है, प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना अमाउंट प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर से सुन लीजिए, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना अमाउंट प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पर इस कॉल्ड आप कह सकते हैं इस कॉल्ड क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि कंसंट्रेशन टर्म्स, तो यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसके जो टर्म्स को देखेंगे तो वो कंसंट्रेशन टर्म्स होगा, ठीक है। क्या क्या टर्म्स आते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना अमाउंट प्रेजेंट होता है उसे ही हम उसका जो है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कहते हैं। स्टूडेंट, डेली लाइफ में इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। आप यूँ समझ लीजिए स्टूडेंट कि जैसे सपोज कर लीजिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक कप जो है चाय बराबर एक चम्मच चीनी, ठीक है, यानी एक कप चाय में जो है अगर एक चम्मच चीनी अगर उसमें ऐड हो रहा है, ठीक है, या आप उसमें मिक्स कर रहे हैं या उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको 5 कप स्टूडेंट चाय बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, 5 कप चाय बनाना होगा तो जाहिर है कि 5 चम्मच चीनी उसमें डालेंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से पता एक आइडिया पता चल रहा है क्या कि एक कप चाय में जो है क्या हो रहा है, 1 चम्मच चीनी है, ठीक है। तो 5 कप चाय में कितने चम्मच चीनी होगा स्टूडेंट, जाहिर है कि 5 चम्मच चीनी होगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है इसमें कि जो है एक कप चाय में, ठीक है ना, एक कप चाय में जो 1 चम्मच चीनी है उसी में, यानी एक कप जो चाय है उसी में 1 चम्मच चीनी है,
बता रही समझ में, जो शुगर है ठीक है, वन स्पून जो ऑफ शुगर ठीक है वो कहाँ है, एक कप चाय में ही है ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो चीनी जो है, यहाँ पर मान के चलो तुम सॉल्यूट ठीक है, और आप यहाँ पर मानो जो है ये जो सॉल्यूशन है इसको मान लो आप जो है यहाँ पर चाय मान लो टी ठीक है। तो अगर ये समझो कि यहाँ पर क्या है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या द अमाउंट ऑफ, इसका मतलब चीनी, द अमाउंट ऑफ चीनी प्रेजेंट या शुगर जो भी है, मैं आपको आसान बनाने के लिए मैं कह रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ चीनी प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ द चाय, अरे बात समझे ठीक है, द अमाउंट ऑफ चीनी, द अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी चाय या टी जो है ठीक है, यानी एक कप चाय में जितना जो है क्या हो रहा है, जो है चीनी प्रेजेंट है ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसका कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कहते हैं ठीक है। आई होप स्टूडेंट आप समझ गए होंगे ठीक है। उसके बाद अब जो है कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में अगर बात करते हैं हम, तो कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टूडेंट जो है हम टू पार्ट्स में इसको हम लोग जो है डिवाइड करते हैं ठीक है स्टूडेंट, टू पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं राइट। तो यहाँ पर जो है टू पार्ट्स में जो है, तो एक होगा जो है आपका मास रिलेटेड हो जाएगा, यहाँ पर एक जो होगा स्टूडेंट मास रिलेटेड, एक मास रिलेटेड, और अगला जो होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम रिलेटेड, वॉल्यूम रिलेटेड ओके स्टूडेंट, मास रिलेटेड हो जाएगा और क्या हो जाएगा वॉल्यूम रिलेटेड ओके। तो यानी कंसंट्रेशन टर्म्स को हम जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक मास रिलेटेड और अगला जो है वॉल्यूम रिलेटेड राइट। अब मास जो होता है, मास जो होता है वो आप जानते होंगे स्टूडेंट कि वो टेम्परेचर जो है इंडिपेंडेंट होता है, यानी आप जो है अगर कोई मान लीजिए अगर वन केजी का अगर वेट है ठीक है, या कोई भी आयरन का है वन केजी आयरन है, तो क्या होगा गर्मियों के दिनों में टू केजी थोड़ी हो जाएगा, यानी उसका टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है ठीक है, उसका मास में चेंज नहीं होगा टेम्परेचर से, लेकिन वॉल्यूम जो है चेंज होता है, आप जो है टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो चेंज हो जाता है ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ, अब मान लीजिए जो है स्टूडेंट हम ही हैं या कोई भी है ठीक है, तो क्या गर्मियों में हमारा जो है वेट बढ़ थोड़ी जाएगा ठीक है, या मास कोई बढ़ थोड़ी जाएगा ठीक है। या आप यू स्टूडेंट सुने होंगे जो है, आप जो है जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि गर्मियों के दिनों में जो रेल की जो पटरियां होती हैं उसमें क्या हो जाता है, वो उसमें जो है गर्मियों के दिनों में आप सुने होंगे, नहीं ऐसे सुने होंगे कि रेल की पटरियों के बीच में दरारें क्यों छोड़ दी जाती हैं, गैप होता है उसमें क्यों, क्योंकि वो क्या होता है जो है गर्मियों के दिनों में क्या हो जाता है स्टूडेंट, उसमें एक्सपेंशन होता है ठीक है, यानी वॉल्यूम में एक्सपेंशन यानी वॉल्यूम बढ़ जाता है ठीक है। तो अगर जो है अगर वो गैप नहीं छोड़े जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, तिरछे हो जाएंगे ठीक है ना, तो जिससे दुर्घटना होने की जो है संभावना बनती है, तो इसमें इसीलिए थोड़ा गैप छोड़ देते हैं। तो बात ये तो टर्म्स, ये सब चीज़ें जो है एक्सपेंशन तो फिजिक्स की चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ठीक है, और मास जो होता है वो टेम्परेचर इनडिपेंडेंट होता है ओके। तो यहाँ पर जो है मास रिलेटेड जो है हम इसमें लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, टेम्परेचर, टेम्परेचर इनडिपेंडेंट, इनडिपेंडेंट, टेम्परेचर इनडिपेंडेंट हो जाएगा, और वॉल्यूम रिलेटेड में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको आप लिखेंगे डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा राइट। तो अब यहाँ पर मास रिलेटेड, वॉल्यूम रिलेटेड राइट। अब इसमें जो है मास रिलेटेड में कौन कौन से टर्म्स आते हैं, तो पहला आप जो है इसमें देखते हैं यहाँ पर क्या देखेंगे, वेट बाय वेट परसेंट ठीक है। दूसरा देखेंगे इसमें, दूसरा आप देखेंगे क्या देखेंगे स्टूडेंट, तो इसमें आप देखेंगे मोलैलिटी, 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 यहाँ पर ये मोलैलिटी, मोलैलिटी राइट। अब अगला जो हो जाएगा हमारा जो है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन,
और चौथा जो हो जाएगा हमारा जो है फोर्थ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा PPM या PPB, ठीक है, PPM पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ PPM का इसका फुल फॉर्म जो होगा पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, इसमें 10^6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और PPB, ठीक है, PPB तो इसको बोलेंगे पार्ट्स पर बिलियन 10^9 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा जो है जो फोर्थ होगा वो होगा PPM या PPB, ठीक है। और इसमें फर्स्ट क्या हो जाएगा वॉल्यूम रिलेटेड में, तो वॉल्यूम रिलेटेड में स्टूडेंट हमारा जो है फर्स्ट ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, यानी थर्ड जो होगा हमारा, थर्ड क्या होगा स्टूडेंट, मोलैरिटी, थर्ड क्या होगा मोलैरिटी, तो इसको हम मेंशन करेंगे मोलैरिटी, ठीक है। और फोर्थ जो है लास्ट हमारा जो होगा नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, मोलैरिटी। तो यहाँ पर मास से रिलेटेड में वेट बाय वेट परसेंट, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, PPM, PPB, और इसमें वॉल्यूम रिलेटेड में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, ठीक है। अब इतना जो है, अब इसमें सबसे पहले अब हम देखेंगे वेट बाय वेट परसेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर वेट बाई वेट परसेंट, ओके स्टूडेंट, तो वेट बाई वेट परसेंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखेंगे, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने क्या फार्मूला देखा, वेट बाई वेट परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है, मेंशन कर लेंगे इन ग्राम्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है, तो ये वेट बाई वेट परसेंट निकल आएगा। ओके, अब इसके बाद जो है हम अगला देखेंगे मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलैलिटी इज इक्वल टू होगा स्टूडेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। अब ये सॉल्वेंट जो होगा स्टूडेंट ये किस में होगा, इन ग्राम में, ठीक है, और जब ग्राम यहाँ पर आएगा तो इनटू क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ बुक में जो है फार्मूला जो है यहाँ पर किलोग्राम में रहता है, तो किलोग्राम अगर रहेगा तो यहाँ पर 1000 नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ग्राम में लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर 1000 है, ठीक है। और उसके बाद जो है, तो यहाँ पर एक टर्म्स आ रहा है जिसे ना ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप जो है क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप लिख सकते हैं क्या, मोल, देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं एन से, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी इसको लिखें यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा
W बाई एम क्या हो जाता है यहाँ पर W बाई एम। तो W यहाँ पर क्या है, तो W यहाँ पर जो है स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वेट है, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पर, ये मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट n इज इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर वेट बाई वेट परसेंट हो गया, मोलैलिटी को लेकर जो है ये हो गया फार्मूला। तो इसको हम लोग थोड़ा इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका, और अगला जो है हमारा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। और n इज इक्वल टू जो है ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट n, और इसको w बाई m, जहाँ पर w क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट है, और m क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो तीसरा जो है हम लोग का क्या है, तो तीसरा जो है मोल फ्रैक्शन है, क्या है स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन में हम, मोल फ्रैक्शन क्या है हमारा स्टूडेंट, अगला है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, और अपॉन में क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स में क्या है यहाँ पर, सॉल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है, हो सकता है कि किसी भी, किसी ऐसे सॉल्यूशन में जो है इसका कंपोनेंट जो है उसमें ए बी सी हो सकता है, तीन कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अगर इसमें अगर आप सॉल्यूट का निकाल रहे हैं फिर सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो है इसमें हम देखेंगे, तो अगर ये देखिए यहाँ पर देखिए, चलिए इसके इसको जो है हम ब्रैकेट में कर देते हैं, ओके, इसको ब्रैकेट कर दिए। अब इसके बाद जो है मोल फ्रैक्शन को हम जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर अगर ए अगर लिखें हम, ठीक है, ए लिखेंगे, तो अगर यहाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, ये मोल्स है, मोल्स ऑफ ए, ए मान लीजिए यहाँ पर सॉल्वेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और उसके बाद जो है अब यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जीटा अगर बी का निकाल रहे हैं, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन कह लीजिए, सॉरी, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ यहाँ पर ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यहाँ पर अगर ए अगर यहाँ पर सॉल्वेंट है तो इसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पर बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें जो है एन बी कर देंगे, और यहाँ पर सेम उतर जाएगा एन ए प्लस एन बी, ठीक है। और स्टूडेंट जो है यहाँ पर जो है एक इसमें जो है यहाँ पर ये सॉल्वेंट का हो गया आपका, और ये क्या हो गया सॉल्यूट का हो गया, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है हम स्टूडेंट जो है, ठीक है, इतना ये कॉपी कर लीजिए, ठीक है, इसको जो है मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा, एक सेकेंड, यहाँ पर जो है, ठीक है, ये वाला पोर्शन मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर कॉपी कर लीजिए जल्दी से। चलिए तो यहाँ पर हमारा जो फाइनली जो होता है स्टूडेंट, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं जीटा ए प्लस
यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू वन होता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ये कंपोनेंट्स, दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो वन के इक्वल होगा, राइट। ठीक है, तो ये रहा आपका मोल फ्रैक्शन। तो इतना कॉपी करिए, इसके बाद हम जो है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन को देखते हैं, ppm और ppb, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो कोई इस तरह से है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर सब बता ही दिया हूँ। वेट ऑफ सॉल्यूट, जो भी ये गिवन वैल्यू है, सॉल्यूट का वेट दिया रहेगा। हाँ, एक बात बड़ा अहम है स्टूडेंट, देखो केमिस्ट्री में वेट और मास को जो है एक ही कंसीडर किया जाता है। जैसे अब ये नहीं, यहाँ पर मैं लिख सकता था मास ऑफ सॉल्यूट, हाँ ठीक है, केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में वेट और मास को एक ही कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत जो है स्मॉलर अमाउंट को कंसीडर किया जाता है, मास यहाँ पर बहुत कम मास लिया जाता है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल आएगा, क्या करेंगे, सॉल्यूट का जो वेट होगा और सॉल्वेंट का जो वेट होगा, दोनों को वेट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कर सकते हैं, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हमने बताया, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एन इज इक्वल टू होगा डब्ल्यू बाई एम, वेयर डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट, बोथ द मीनिंग्स आर द सेम, ओके। और एम यहाँ पर मोलर मास है, समझ रहे हैं ना, जिसको मॉलिकुलर वेट भी लोग कहते हैं, ठीक है, मॉलिकुलर वेट कह सकते हो, मोलर मास कह सकते हो ये, ठीक है, या फार्मूला मास जो भी है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। तो अब ये हो गया, उसके बाद मोल फ्रैक्शन में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स का मोल निकल जाएगा यहाँ पर, वहाँ वैल्यू रखेंगे, और टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमने क्या लिखा था यहाँ पर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ए, ठीक है, मोल्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी एक्स ए इज इक्वल टू क्या लिखा था, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और उसी तरह से जो है एक्स यानी जीटा कह सकते हैं, और जीटा बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो एन बी अपॉन क्या लिखेंगे, एन ए प्लस एन बी, राइट। तो यहाँ पर ठीक है, तो और यहाँ पर जीटा ए प्लस जीटा बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ जो है ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, वन, ये वन के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपने जो है, जैसे अगर यहाँ पर ए जो है मान लीजिए सॉल्वेंट है, ठीक है, अगर ये मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, सॉल्वेंट है, और ये मान लो बी जो है तुम्हारा अगर सॉल्यूट है, ठीक है, तो उस लिहाज से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कॉपी करिए, अब हम ppb और जो है पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन को देखते हैं, ठीक है, तो इतना कॉपी करिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है जो मास रिलेटेड में फोर्थ जो टर्म है ppm और ppb, इसको हम लोग देखेंगे। ppm पार्ट्स पर मिलियन, ppb पार्ट्स पर बिलियन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ppm पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, मिलियन तो 10^6 आएगा, और ppb पार्ट्स पर बिलियन, तो यानी 10^9 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट, इसका जो यूज़ है, जैसे आप देखे होंगे स्टूडेंट जो है पॉल्यूशन में जो है इसका जो है ppb और जो है ppm में इसका जो है कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं ppm, ठीक है, यहाँ पर ppm, तो ppm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कंपोनेंट, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर जो है नंबर ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है, तो अपॉन में हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, नंबर ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, और इनटू 10^6 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ppm पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ppm में हम 10^6 लिखेंगे, ठीक है। और ये स्टूडेंट जो है, जैसे अगर मान लीजिए ग्राम में दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर ग्राम में हो जाएगा, अगर अगर जो है मास में दिया है तो ग्राम में, अगर वॉल्यूम में दिया जाएगा
तो जो है इस दिया होगा यदि, तो इसको ml में हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये तो ppm हो गया, और अगला क्या है, ppb, पार्ट्स पर बिलियन। तो इसमें पार्ट्स पर बिलियन में ज़्यादा नहीं कुछ करना नहीं है, यहाँ पर नंबर ऑफ कंपोनेंट हो गया, और अपॉन में ऐसे ही क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट और इनटू 10^9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है ये ppm हो गया यहाँ, ठीक है, और उसके बाद जो है ये ppb हो गया, ठीक है। ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, ठीक है, ये तो भाग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है उसके बाद जो है ये हमारा जो है मास रिलेटेड टर्म्स जो है यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। अब आएंगे हम जो है वॉल्यूम रिलेटेड टर्म में, तो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म में हम लोग जो है क्या देखेंगे, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट देखेंगे, उसके बाद वेट बाई वॉल्यूम परसेंट देखेंगे, देन मोलैरिटी, और उसके बाद लास्ट हम लोग जो देखेंगे क्या है हम लोग का, तो हो जाएगा हम लोग का जो है नॉर्मेलिटी हो जाएगा लास्ट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम देखेंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ किस क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम किस में होगा स्टूडेंट, तो इन ml मिलीलीटर में होगा, ओके। और अपॉन में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किस में रहेगा, इन ml मिलीलीटर, ठीक है। चूंकि परसेंटेज निकालना है इस वजह से यहाँ पर 100 कर देंगे, ठीक है। ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ये गिवन वैल्यू रहता है, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया रहेगा, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का आप अगर मान लीजिए सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया है और सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया है, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट का वॉल्यूम लिख लेंगे, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, तो आपका जो है क्या निकल जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल आएगा, ठीक है। और चूंकि परसेंटेज है, दिस इज बाई यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट है, और अगला हमारा जो होने वाला है ये तो फर्स्ट है हो गया, और जो सेकेंड होने वाला है, सेकेंड क्या है हमारा जो है, तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट है, ठीक है स्टूडेंट, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। तो वेट जो है वो यहाँ पर जो सॉल्यूट का जो जो अमाउंट होगा वो किस में होगा, तो ये सॉल्यूट का जो वेट होगा वो ग्राम में हो जाएगा, और वेट बाई वॉल्यूम, तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा यहाँ पर ये मिलीलीटर ml में कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वेट, यहाँ पर देखेंगे वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, राइट। तो यहाँ पर वेट बाई वॉल्यूम परसेंट में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे वेट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया, और अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर चूंकि वॉल्यूम है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ओके स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
और इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 100, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जो वेट ऑफ सॉल्यूट जो होगा ये ग्राम में होगा, ठीक है, और यहाँ ये जो है आपका ml में होगा, ठीक है, मिलीलीटर में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है अगला जो आता है, अगला क्या है, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, और इसके बाद हम जो है बात करेंगे मोलैरिटी को लेकर जो है, राइट। तो इसको यहाँ पर बंद कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये बंद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसके बाद हम मोलैरिटी को बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं थर्ड जो है मोलैरिटी, मोलैरिटी। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, मोलैलिटी, मोलैलिटी। अब क्या देख रहे हैं, मोलैरिटी। मोलैलिटी में को हम जो है स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं मोलैलिटी को, और मोलैरिटी को जो है हम कैपिटल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस जो है बात को आप जो है ध्यान देंगे, ठीक है, और इसको जहन में बैठाएंगे आप, ओके, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। तो यहाँ पर मोलैरिटी को हम कैपिटल m से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बहुत बच्चे जो है कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि मोलैरिटी कहा जाता है तो मोलैरिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान देंगे मोलैरिटी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, इसका फार्मूला बड़ा सिंपल है एकदम, मोलैरिटी, ठीक है, इस कैपिटल एम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें स्टूडेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे एकदम तय है इन लीटर, एकदम तय है, ठीक है, लीटर में। इतना हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ी सी अगर इसको रिप्रेजेंट करने वाली बात आए तो m इज इक्वल टू अगर हम करें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मतलब मोल्स को तो n से रिप्रेजेंट करते हैं ना, और यहाँ पर क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम हो गया v हो गया, तो m इज इक्वल टू n बाई v। अब यहाँ पर जो है इसको अगर n को हम क्या लिख सकते हैं, n क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, तो w अपॉन ये क्या हो जाएगा मोलर मास और अपॉन ये v, ठीक है। तो फाइनली क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो फाइनली लिख सकते हैं w अपॉन m इंटू v, ठीक है। तो यहाँ पर मोलैरिटी जो है, यहाँ पर ये मोलैरिटी हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा w अपॉन m इंटू v। यहाँ पर w क्या है, तो w जो है मास ऑफ सॉल्यूट, या आप कह सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा m इंटू v, ठीक है। तो m क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू v वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किस में है, तो इन लीटर में है, ठीक है। यहाँ पर इतना हो गया, ठीक है। अब एक और एक फार्मूला होता है, एक और फार्मूला जान लीजिए, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ठीक है, इसको भी कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे जो है नॉर्मेलिटी पर बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है, n क्या है मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, और n इज इक्वल टू w बाई m होता है, हम जानते हैं स्टूडेंट कि n इज इक्वल टू क्या होता है w बाई m, ठीक है, ये तो एकदम तय है, ठीक है, n इज इक्वल टू w बाई m, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर n की वैल्यू w बाई m और m अपॉन में, तो w m, ये फाइनली ये w, ये क्या है आपका, ये जो है आपका मास ऑफ सॉल्यूट है, या वेट ऑफ सॉल्यूट, या मास ऑफ सॉल्यूट, इसको लिखो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, राइट। और ये m क्या है, तो m मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और भी क्या है वॉल्यूम ऑफ किसका, तो सॉल्यूशन का है, ठीक है, किस में, तो इन लीटर में, ठीक है।
ये पूरा जो है क्लियर है, ठीक है। तो इतना कॉपी करिए। अब हम देखेंगे मोलैरिटी के बाद हमारा जो अगला जो टॉपिक है नॉर्मेलिटी है, तो नॉर्मेलिटी को हम लोग देखेंगे अब। ओके, तो यहाँ पर जो है नॉर्मेलिटी जो है हमारा, यहाँ पर नॉर्मेलिटी को यहाँ से देखिए, नॉर्मेलिटी को स्टूडेंट हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्मॉल एन नहीं, स्मॉल एन जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, स्मॉल एन को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल्स को उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मोल्स को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नॉर्मेलिटी है और यहाँ पर आप नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एन। ओके, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो किस में स्टूडेंट, तो हम जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि आप इसको लीटर में कंसीडर करेंगे, राइट। अब यहाँ पर जो है जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ये वाला पोर्शन, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, तो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, और उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट को यहाँ पर निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, लोग लिखते हैं, ठीक है, या एन फैक्टर लिख लीजिए यहाँ, या आप जो है इसको एक्स लिख दीजिए, ठीक है, या एन लिख लीजिए, ठीक है। तो एन भी लिखा जाता है और एन फैक्टर भी लिखा जाता है, वैलेंस फैक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक्स क्या है, तो एक्स को हम यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर बताते हैं कि एक्स जो होता है, अगर इसको आप देखें, चलिए पहले इसको हम ब्रेकेट लगा दें इसका, ठीक है, यहाँ पर इसका हम ब्रेकेट लगा दें, ठीक है, ओके, ये ब्रेकेट लग गया और इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, अब ये वाला इसका ब्रेकेट लगा देते हैं। अब यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट वेट मोलर मास ऑफ, ठीक है, मोलर मास और एक्स यहाँ पर जो है, तो एक्स जो है यहाँ पर ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है बेसिसिटी हो सकता है, या फिर जो है एसिडिटी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, या आपका जो है वैलेंसी ऑफ मेटल एटम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग जो है, ठीक है, या तो यहाँ पर ये बेसिसिटी क्या है, ठीक है, तो बेसिसिटी जो है स्टूडेंट, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर मिटाएंगे हम, तब यहाँ पर बेसिसिटी एसिडिटी, यानी हम जो है निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे एसिड का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, उसके बाद इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, और उसके बाद जो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस, ठीक है, अलग अलग इसका हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेसिसिटी और एसिडिटी को जो है हम डिफाइन कर देते हैं। तो बेसिसिटी जो होता है हमेशा एसिड का होता है, तो बेसिसिटी क्या होता है,
तो नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल ऑफ हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन हाइड्रो एच प्लस आयंस, एच प्लस आयंस इन इन वन मोल ऑफ एन एसिड। ठीक है, ये जो है बेसिसिटी है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल ऑफ एच प्लस आयन इन जो है वन मोल ऑफ एन एसिड। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, तो इसमें जैसे ये देखो आप, अगर एच सी एल है ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन में स्टूडेंट जो है एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या होगा, कितने एच प्लस रिप्लेस कर रहा है, तो एच प्लस और सी एल माइनस कितना कर रहा है, वन कर रहा है। ठीक है, तो बेसिसिटी इसकी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। और एच टू एस ओ फोर में देखो आप, एच टू एस ओ फोर है ठीक है, इसको बेहतर होगा ना स्पेस यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए, अगर एच टू एस ओ फोर को देखते हैं, एच टू एस ओ फोर ठीक है, तो एच टू एस ओ फोर हो गया, तो एच टू एस ओ फोर जो है ठीक है डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टू एच प्लस और एस ओ फोर माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसकी जो बेसिसिटी होगी ठीक है, इसकी बेसिसिटी यहाँ पर इस यहाँ लिखेंगे बेसिसिटी इज इक्वल टू टू, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बेसिसिटी इज इक्वल टू वन। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर अब इसके बाद जो है इसका अगर फार्मूला अगर हम देखें ठीक है, जैसे अगर हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड निकालेंगे। ठीक है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड क्या हो जाएगा, मोलर मास। ओके, मोलर मास हो जाएगा यहाँ पर, देखिए मोलर मास और अपॉन मोलर मास अपॉन क्या हो जाएगा, तो बेसिसिटी हो जाएगा, क्यों, एसिड का है। ठीक है, यहाँ पर बेसिसिटी, बहुत दमदार सा फार्मूला है स्टूडेंट। ठीक है, एकदम मैं इसको जो है ओपन करके मैं आपको बता रहा हूँ ये फार्मूला जो है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस इन वन मोल ऑफ एन एसिड। ठीक है, जैसे HCl से जो है एक हाइड्रोजन आयन जो है रिप्लेस हुआ है, सो बेसिसिटी इसकी वन हुई। और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड में बेसिसिटी दो एच प्लस आयन रिप्लेस हो रहा है, दिस इज बाई बेसिसिटी इज इक्वल टू टू। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम जो है अब क्या देखेंगे, एसिडिटी को देखेंगे। ठीक है, अभी इससे पहले हमने क्या देखा था, बेसिसिटी। ठीक है, तो ये कहाँ यूज़ हो रहा था, तो ये यूज़ हो रहा था इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड निकालने में। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। ठीक है, तो एसिड का होगा बेसिसिटी। ठीक है, और समझ रहे हैं, और उसके बाद जो है, और हम एसिडिटी पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये किसका होगा, बेस का, जब आप इक्विवेलेंट वेट आप निकालोगे तो इसका होगा यूज। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर देखो एसिडिटी यहाँ पर, ठीक है, एसिडिटी। ठीक है, तो एसिडिटी क्या होता है, यहाँ पर एसिडिटी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो एसिडिटी क्या होगा, अभी इससे पहले आपने जैसे लिखा एकदम वैसे ही लिखना है, क्या लिखना है, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल क्या, तो OH माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयंस इन वन मोल ऑफ अ बेस। ठीक है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयंस OH माइनस आयंस इन वन मोल ऑफ अ बेस, राइट। अब जो है ये हो गया एसिडिटी हो गया,
अब इसमें कैसे निकालोगे आप, तो जैसे सपोज करो आप एसिडिटी किसका होता है, बेस का एसिडिटी होता है, ठीक है ना, राइट, बेस का होगा, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर आप निकालोगे, जैसे एग्जांपल इसको देखा जाए, तो अगर मान लो आप NaOH है, ठीक है, NaOH को हम जो है कास्टिक सोडा कहते हैं, ठीक है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या होता है, बेस होता है, और ये क्या होगा एक्वस सॉल्यूशन में, ये क्या होगा, क्या देगा, तो Na प्लस और OH माइनस आयंस, ठीक है, इसमें जो है ये फर्नेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर एसिडिटी इज इक्वल टू निकालेंगे, एसिडिटी इज इक्वल टू, तो कितना हाइड्रोक्सिल आयन रिप्लेस हो रहा है, तो 1, तो एसिडिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। और इसके बाद जो है हम निकालेंगे, अगर मान लीजिए CaOH का होल ट्वाइस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये Ca पर 2 प्लस और उसके बाद जो है 2OH माइनस, ठीक है, तो कितना OH रिप्लेस कर रहा है, 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो एसिडिटी होगी, एसिडिटी क्या होगी इसकी, 2 होगी, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर इसका जो है फार्मूला कैसे होगा, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस का निकालोगे तो क्या होगा, ठीक है, तो इसका हम जो है लिखेंगे यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, तो बेस का जो है इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, तो वही आपका जो है बेस जो भी दिया रहेगा, तो उसका हम मोलर मास निकालेंगे, या फार्मूला मास जो भी कह लो, तो मोलर मास निकलेगा, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो एसिडिटी हो जाएगा, एसिडिटी, राइट, तो ये आपका ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम क्या निकालेंगे, तो मुझे लगता है अब साल्ट का हम लोग देखेंगे और उसके बाद जो है आयंस का देखेंगे, ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस, तो इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए आप लोग। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग जो है देखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट, साल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे हम लोग, उसके बाद आयंस का निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फार्मूला हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट, ठीक है स्टूडेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग, मोलर मास लिखेंगे, मोलर मास, और मोलर मास हो गया, और मोलर मास के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये मोलर मास हो गया, और इसके बाद हम जो है मोलर मास के बाद यहाँ पर आएगा हम लोग का वैलेंसी ऑफ मेटल एटम, वैलेंसी ऑफ मेटल एटम, ठीक है। एक तो ये फार्मूला हो गया, ठीक है, ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट का, और उसके बाद एक फार्मूला और रह गया है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस का क्या हो जाएगा, तो सेम लाइक दिस, मोलर मास अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, इतना देखेंगे। और उसके बाद जो है स्टूडेंट, इतना कॉपी करिए आप लोग, इसके बाद हम लोग जो है एक फार्मूला और रह गया है, ये वाला आप देख लीजिए, इसी में नॉर्मेलिटी n इज इक्वल टू हो जाएगा nf क्या है, तो इसको आप जो है यहाँ पर n फैक्टर जिसको कहा जाता है, n फैक्टर, तो n फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे n फैक्टर हो गया, और इनटू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इनटू मोलैरिटी, इनटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसके बाद हम आप देख सकते हैं, इसके बाद जो है
नॉर्मेलिटी एन इज इक्वल टू एन फैक्टर और इनटू हो जाएगा मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फार्मूला जो है, आज हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड सभी फार्मूले को आज जो है यहाँ पर फिनिश कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इससे रिलेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू बच्चों।